देश आज उन पुलिस वालों को याद कर रहा है जिन्होंने हमारी और आपकी सुरक्षा के लिए खुद को कुर्बान कर दिया। पुलिस स्मृति दिवस के अवसर पर दिल्ली स्थित पुलिस स्मारक पर परेड का आयोजन किया गया, जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी और परेड को संबोधित भी किया। अमित शाह ने अपने संबोधन में यहां कहा कि पुलिस वालों ने देश की सुरक्षा के लिए बलिदान दिया है, उन्हीं के बलिदान के कारण आज देश विकास की ओर आगे बढ़ रहा है। अमित शाह ने बताया कि इस साल 260 पुलिस कर्मियों ने शहादत दी है। कोरोना संकट के कारण 343 पुलिस कर्मियों की मौत हुई है। 35,398 कर्मियों ने अब तक शहादत दी है। ये स्मारक सिर्फ ईंट, पत्थर, चूने और सीमेंट से बना हुआ स्मारक नहीं है। ये स्मारक इस बात का पूरे देश को हमेशा स्मृति दिलाता है कि आपके परिवारजनों ने जो प्राणों की आहुति दी है, उसने हमारी आजादी को, हमारे देश को, हमारे देश के झंडे को अमरत्व देने का काम किया है। इस मौके पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर पुलिस के जवानों को सलाम किया। पीएम मोदी ने लिखा कि आज पुलिस कर्मियों और पुलिस वालों को सलाम करने का दिन है। हम हर शहीद को नमन करते हैं। पुलिस कर्मी सदैव लॉ एंड ऑर्डर को बनाने और देशवासियों की सेवा में जुटे रहते हैं। कोरोना संकट में भी उन्होंने ऐसा ही किया। पुलिस स्मृति दिवस के मौके पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी कर्तव्य निभाने के दौरान शहीद हुए पुलिस कर्मियों को श्रद्धांजलि दी। लखनऊ पुलिस लाइन में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोरोना काल में पुलिस कर्मियों के योगदान का उल्लेख करते हुए उनकी तारीफ की और कहा कि उनकी सरकार अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति पर चल रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2019-20 में उत्तर प्रदेश पुलिस के 9 जवान शहीद हुए हैं। शहीद के परिजनों को आश्वस्त किया कि सरकार उनके साथ खड़ी है। उन्होंने बताया कि सरकार की ओर से 26 करोड़ रुपए 122 शहीदों के परिजनों को दिए गए हैं। प्रदेश सरकार द्वारा कर्तव्य पालन के दौरान शहीद पुलिस कर्मियों के साथ साथ केंद्रीय अर्धसैन्य बलों, अन्य प्रदेशों के अर्ध सैन्य बलों तथा भारतीय सेना में कार्यरत एवं मूल रूप से उत्तर प्रदेश के रहने वाले 122 शहीद कर्मियों के आश्रितों को 26 करोड़ 95 लाख रुपए की आर्थिक सहायता विगत एक वर्ष के अंदर प्रदान की गई। देश भर में 1 सितंबर 2019 से 31 अक्टूबर 2020 तक कुल 264 पुलिस जवान शहीद हुए। इसमें उत्तर प्रदेश के कुल 9 पुलिसकर्मी शामिल हैं। सबसे ज्यादा 8 शहीद कानपुर विकास दुबे एनकाउंटर केस के हैं। ब्यूरो रिपोर्ट।